18 के अंदर हम किस तरह से चलते हैं? वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में जो बुक में मेरे हैं, एक वायर जिसकी लेंथ दे रखी है, एक वायर जिसकी लेंथ दे रखी है 36 सेंटीमीटर, कहते हैं इसके दो पीस काटो, इसके दो टुकड़े बना लो, एक ये और ये, एक एक्स बना लो, तो क्या होगा 36 माइनस एक्स, या ए और बी बना लो। टोटल लेंथ कितनी दी है वायर की, 36 सेंटीमीटर, कहता है इसको दो पीस में काट लो, ये मान लो पूरी वायर है, उसको काटो, इमेजिन करो आपके हाथ में वायर है, काट लो, एक ये छोटा पीस या बड़ा पीस या बराबर पीस, ये तो नहीं कहा एक एक्स एक 36 माइनस एक्स। अब वो क्या कहता है, कहते हैं एक बी एक पीस से कहता है स्क्वायर बना लो, मतलब एक पीस जो यूज किया हुआ है, मान लो एक्स से क्या बना लो, कहते उसने बोला भाई पढ़ लो चलो, इस एक्स पीस से उसको क्या बना लो, कहते इससे बना लो आप स्क्वायर, और जो दूसरा पीस है जिसको हम क्या बोलते हैं 36 माइनस एक्स, एक पीस से स्क्वायर बना लो, एक पीस से क्या बना लो, कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। क्या मतलब हुआ, एक बड़ी सी वायर 36 सेंटीमीटर, उसके क्या बना लो, दो पीस बना लो, तो कहते हैं एक पीस से तो स्क्वायर बना लो, मतलब पूरी वायर आपके हाथ में, इस समय आपने दो पीस में काट दी, एक आ गया एक्स एक आ गया 36 में से। कहते हैं वायर को क्या करो, कहता है इसे फोल्ड कर लो ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, तो कहते हैं इससे क्या बना लो, कहता है स्क्वायर बना लो, तो कहते हैं इससे क्या बना लो, कहता है स्क्वायर बना लो। तो आप खुद सोच लो, अगर आप इसको पूरा यूज करके स्क्वायर बनाओगे तो क्या इसकी साइड एक्स होगी, मेरा क्वेश्चन ये, बाकी जो वायर बची है उसमें से क्या बना लो, ऐसे घुमा के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। ये पूरी जो लेंथ थी वायर की वो 36 माइनस एक्स है, क्या 36 माइनस एक्स होगी, यहाँ नहीं बस गलती करनी, ये कितनी होगी एक्स बाय फोर, ये कितनी होगी आपके पास एक्स बाय फोर, या कोई और साइड मानो, एक्स तो नहीं मान सकते, तो कितनी मान सकते, सोचो ए साइड मान लो और इसकी साइड कितनी मान लो, बी मान लो। तो अब तीनों चारों साइड का सम जो बनेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, और इसमें जो तीनों साइड का सम बनेगा बी बी बी, तो वो आपके पास क्या होगा 36 माइनस एक्स होगा। लेट क्या मान लीजिए सॉल्यूशन है, लेट ए कॉमा बी बी द साइड मान लो, इसकी बना स्क्वायर की, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की, स्क्वायर की इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, जिसको सीधा डायरेक्ट समझ में आती है वो सीधा x बाय फोर ले लीजिए, हाँ x बाय फोर कर सकते हो, हैं 36 माइनस x बाय थ्री, क्योंकि पूरा टुकड़ा जिससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो ये है, पूरा टुकड़ा जिससे स्क्वायर बना है वो कितना है x है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, किसको मैक्सिमम मिनिमम आप प्रूव करना है, पढ़ लो क्वेश्चन में, सम ऑफ एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमम। सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, सम ऑफ एरिया
क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमम, सम ऑफ एरिया क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। सॉरी मिनिमम कह रहा है, सम ऑफ एरिया सॉरी मिनिमम कह रखा है, मिनिमम हो जाए। सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल, बस क्या लेना है एस, इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया किसका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर। सोचो तो सम ऑफ एरिया में कितने अननोन खड़े हैं यहाँ पे, ए कॉमा बी आर टू अननोन, तो क्या लगा दो स्टेप टू, क्या लाओगे रिलेशन, एक को दूसरे से रिलेट कर लो। कैसे रिलेट कराओगे, चारों साइड का सम किसके इक्वल है x के इक्वल, a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू x एंड b प्लस b प्लस b इक्वल टू 4a इक्वल टू a, क्या आएगा x बाय 4, b कितना आएगा 36 माइनस x बाय 3, पुट करा दो 2 कॉमा 3 को 1 में, क्या आएगा s इक्वल टू बता दो x बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड का होल स्क्वायर। अब इसमें कितने वेरिएबल आ गए सोच लो, x इज द ओनली वेरिएबल, निकालो, क्या निकालोगे ds बाय dx, स्टेप नंबर 4 है, ds बाय dx निकालो, जीरो पुट कराओ मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मुझे कराओ ट्राई, बताओ x की वैल्यू जब तक मैं अगला स्टार्ट कराता हूं। 20 है ds बाय dx को जीरो पुट करा दो, ये बताओगे आप लोग ये मैक्सिमा मिनिमा, बताइए अब x की कितनी वैल्यू आ रही है, बता दीजिए इसको क्या मान लीजिए 4, बताओ कितनी आ गई जो आगे पुट कराएंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी पुट करा देना, पॉजिटिव आ गई तो मिनिमम। स्टेप 5 है, बताओ यहाँ पे लिखा होना चाहिए आपके पास अभी आंसर में, पुट करा दो x की वैल्यू को कहाँ पे वाला, इन 2 में, इन 2 में क्यों कराओगे, बस x की वैल्यू किसमें पुट करा दो, एक साइड आ गई x, दूसरी साइड क्या निकाल दो 36 माइनस x में, सेकंड साइड भी आ जाएगी, सेकंड टुकड़ा कितना आ जाएगा बताओगे 36 माइनस x, एक लेंथ ये आ गई दूसरी निकाल, आंसर आ गया, कराओ जल्दी बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, जब तक मैं अगला करा रहा हूं इसके x बताओ, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करा के इसकी कितनी वैल्यू किसी की आती है, दूसरी निकालनी तो क्या निकालोगे 36 माइनस x करते। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सर्टेन दिया हूं 20th, सीधा ही लिया हुआ है कॉस्ट दे रखी, किसी आर्टिकल को बनाने के लिए 5 प्लस 48 बाय वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, एक्स कितना दिया हुआ है हियर, एक्स इज द नंबर ऑफ आर्टिकल
मैन्युफैक्चर, फाइंड करो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, सी की कम से कम वैल्यू बताओ। आया नहीं क्या कि अभी तक किसी का एक्स भाई? चलो फिर निकाल लीजिएगा अपने आप सॉल्यूशन। स्टेप वन मैक्सिमा और साथ दे रखा है कॉस्ट, क्वेश्चन में ही पढ़ लो आप कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम कॉस्ट है कितनी है बताओ? कॉस्ट 5 + 48 / x 3x के ये क्या करना है? कॉस्ट कितनी है 5 + 48 x + 3x के? x क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल, मिनिमम प्रूव करना है। तो कितने वेरिएबल हैं कि इसमें खुद ही दिखेगा x इज द ओनली वेरिएबल। एक बार डिफरेंशिएट कराओ dc/dx। स्टेप नंबर सीधा 4 लग जाएगा, 2, 3 लगाने की जरूरत ही नहीं। डिफरेंशिएट करा दो 1 को इसे 2x। पिछला भी x नहीं बताया यार तुम लोगों ने, इसका भी अब तक x नहीं निकाल के दिखाया किसी ने। x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। डबल और डेरिवेटिव निकालो, x की वैल्यू पुट करा दो, नेगेटिव आ गया मिनिमम, सही मैक्सिमम पॉजिटिव आ गया मिनिमम। क्वेश्चन को समझो, चलिए 22, इसमें तो एक एक वेरिएबल ही यूज हो रही है। एक सिलेंडर दिया हो 22, उसका एक्स तो बता दो, अभी तक रखा हुआ मैंने। एक सिलेंडर दिया हुआ है क्लोज एट बोथ एंड दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है जो दोनों एंड से क्या दिया हुआ है? क्लोज दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 10 cubic inch। फाइंड द बेस रेडियस, फाइंड कर दो वही रेडियस बता दो। टोटल सरफेस इज मिनिमम, टोटल बाहरी वही टोटल सरफेस एरिया हो गया, एक्सटर्नल सारा तो बाहर, मिनिमम है। चलो भी तो आई मर्जी एक्स नहीं निकाल देते। एट आ गया सर, एट 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 कौन सा क्वेश्चन था? यह था 18th, 18th का था 288 / 8 + 6√3 आ रहा है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? 8 तो बहुत दूर दूर है। टोटल एक्सटर्नल सरफेस क्या होगा? मीन तब तक तो बोलते भी ना, तब तक बंदा कराइए। चलिए पहला स्टेप आएगा मैक्सिमा मिनिमम, रेडियस आर हाइट क्या मान लो, क्या हुआ डिफरेंशिएशन ही उसकी क्या था बताओ? उसमें सरफेस एरिया क्या उसमें था? क्वेश्चन में सम ऑफ एरिया था, 18 क्वेश्चन में क्या था आपके पास? सम ऑफ एरिया था, कितना है आपको बताओ जरा? तो क्या हो गया इसमें? √3/36 twice of 36 minus x
डीवाई डी एक्स ऑफ 36 माइनस एक्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, डी एस बाई डी एक्स को क्या पुट कर दो, 2x बाय 4 रूट 3 बाय 18 36 माइनस एक्स तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x बाय 4 रूट 3 चलो 0 इक्वल एक्स बाय 2 रूट 3 इंटू 36 बाय 18 प्लस माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रूट 3x बाय 18 ये इधर चला गया रूट 3 इंटू 2 18 एलसीएम आ गया 9x प्लस रूट 3x तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 36 रूट 3 बाय 9 प्लस रूट 3 रैशनलाइज कराओ जैसी रैशनलाइज कराओगे तो 36 रूट 3 9 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से करा लो 36 इंटू 3 9 रूट 3 प्लस 3 कितना बना रहे देखो ये आ जाएगा आपके पास 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे से x by 4 का odds कितना 16 आएगा ना नीचे x by 4 का odds क्या तो नीचे 16 आ गया तो कितना आ गया अब यहाँ पे 16 आएगा तो 8 बनेगा अभी यहाँ पे 8 बचा ना तो कितना आ गया LCM लोगे तो 18 और 8 का 8 और 18 का 18 दोनों बनेगा LCM कितना बनेगा 36 है नहीं 72 36 कैसे बनेगा 8 कैसे जाएगा 36 में 72 बनेगा मेरे ख्याल से देखना कितना बनता है 8 और 18 का LCM तो कितना आ गया 9x और 4 root 3 तो x कितना आ गया सोचना जरा 72 into 2 root 3 by 9 plus 4 root 3 अब बना लो आप x बताओ कितनी वैल्यू बनती है 72 into 2 बताओ 144 अब आ गया आंसर रूट थ्री 9 प्लस 4 रूट थ्री रैशनलाइज करा सर तो ये एक्स की वैल्यू बन रही है उसमें पता नहीं क्या करते रहते हो अभी तक ये निकाल पाया कोई जो बताए आपका आंसर एक बच्चा बोल रहा है 8 बताओ आंसर ये 8 दिख रहा है उसको तो एक्स कितना आ गया 144 इंटू 3 बाय 9 रूट 3 प्लस 4 इंटू 3 रूट 3 रूट 3 3 कॉमन आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस 4 आंसर आ गया यही पीछे आंसर क्या निकाल है क्या नहीं क्या पता क्या चलते होते तुम्हारे दिमाग में पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा 144 बाय 3 रूट 3 प्लस चलिए वॉल्यूम 10 क्यूबिक इंच दे रखा था फाइंड करना बेस रेडियस सॉल्यूशन आर कॉमा एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर देखियो यार तुमने कैसे निकाली डिफरेंशिएशन चलिए हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर अब तुम्हें क्या प्रूव करना है लिखा होगा टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया मिनिमम सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमम अब भी ऐसे ही कर रही हूँ पेपरों में भी ऐसे ही कर रही हूँ बोला 6 नंबर की एक एक्साइन मिल रही है तेरे को तब भी नहीं तुम्हारे क्वेश्चन की पूरे साल में 6 नंबर एक्साइन ना तैयार हो फिर दो महीने बाद फिर आ जाओगे दोबारा करा दो 8.6 तो करवा रहे तब तो तुम्हारा दिमाग ये है तो दो महीने बाद क्या नया हो जाएगा तुम्हारा दिमाग जो दो तीन सालों से नहीं हुआ नाइन्थ क्लास के बाद
नाइन्थ की समझ नहीं लगी बताओ, टेंथ की भी नहीं लगी। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है, पहला स्टेप है मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या कराओगे इसको, स्टेप वन देखो किसको मैक्सिमम नहीं करना है, सरफेस एरिया वो क्या होना चाहिए, निकालो इसका सरफेस एरिया, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर प्लस गॉड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। इसको क्या करना है मिनिमम, एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। Here R, H are two variable. एक को उठाओ दूसरे की टाओ, जो गिवन होगा उसको उठा लो, उसको रिलेशन में ले आओ। क्या रिलेशन दिया हुआ दिख तो रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालने का बेनिफिट है क्योंकि आर दो तरफ दिख, आर तुम्हें जो ऊपर दिख रहे हैं वो दो जगह दिख रहे हैं पर एच जो दिख रहा है वो एक ही जगह मेरे को तो दिख रहा है एच, तो एच ही निकालने का बेनिफिट है ये आर स्क्वायर में दिया गया। तो एच कितना हो गया 10 वाई पाई आर स्क्वायर। स्टेप 3 पुट करा दो 2.1 से, काफी टाइम से बोलता जा रहा बस रिलेशन निकाल दूंगा, वैल्यू पुट करा दूंगा, आगे डिफरेंशिएट करना करा दो। एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू पुट करा दो आपका आंसर बन जाएगा। और क्या आपको करना है इसमें, एच की वैल्यू ये पुट करा दो, लिख तो दिया पुट करा दो इन वन में, तो कितना आएगा बताओ, एरिया इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर कितना दिया हुआ है एच, एच की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा 2 पाई आर प्लस 20 बाई आर। स्टेप 3 कराओ, स्टेप 3 सो स्टेप 4, स्टेप 4 में कराओ क्या लगेगा वर्किंग, वर्किंग में क्या कराना है बताओगे, डीए बाय डीआर डीए बाय डीआर, फिर डीए बाय डीआर को क्या पुट करा दो 0, आर की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट से, डबल डेडी टेस्ट डी टू ए बाय डीआर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कराओ, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा मैक्सिमम। मांगा क्या गया था बेस रेडियस, बेस रेडियस तो यही आ गया, स्टेप 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें 22nd 24th अब इसमें रिलेशन यूज होंगे जो मैंने उस दिन करा दिया था 24th कहते हैं सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया इन स्फीयर में, आर की वैल्यू बोला करो यार, तुम तो बिल्कुल भी जमे ही ऐसे बेकार बैठे हो ना, जैसे तुमसे डिफरेंशिएट हो गया आर नहीं निकलता, ये छोटा क्वेश्चन है बड़ा। अब रोके कितना इसको, रोक जाएंगे भाई साथ साथ ही निकाल के, बंदा को पता नहीं स्टेप क्या रखने, निकाल के परे करता हूँ। चलिए शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होना चाहिए सिलेंडर का मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस आर
फाइव हो, थ्री इंच दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जो इसके अंदर इंस्क्राइब है, ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है। That can be inscribed in a sphere of radius r. उसका वॉल्यूम जो होना चाहिए 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ये प्रूव करना, प्रूव करो वॉल्यूम जो होना चाहिए इतना होना चाहिए। Let r comma h be the radius and height of the, क्या मान लीजिए सिलेंडर। Let capital R या capital H, इसका सेंटर ये ना, ये तो दिया हुआ है आपको, इसका रेडियस और स्फीयर सॉल्यूशन आर को मैं एच बी दा रेडियस एंड हाइट ऑफ मान ली रेडियस आर हाइट एच। तो पहला स्टेप क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम निकाल दो। स्टेप वन है मैक्सिमम और मिनिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम कितने वेरिएबल आ गए हैं, आर कॉमा एच आर टू वेरिएबल आ गए। स्टेप टू है रिलेशन ढूंढो। तो देखो स्विचेस का रिलेशन क्या होता, यहां से इसको क्या करा देते थे, ज्वाइन करा देते थे, ये रेडियस आर, ये क्या होगा 5√3 बिकॉज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे आर कितना दिया 5√3, और ये कितना आएगा हाफ h बाय टू पूरी हाइट h थी। क्या लग जाएगा पाइथागोरस, कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाओगे, बाय पाइथागोरस। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5√3 का AB का स्क्वायर h बाय टू का होल स्क्वायर। देखो क्या निकाल के फायदा, ये क्या है r स्क्वायर ही निकाल लिया, क्या हो गया 75 माइनस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। पुट करा दो 2 को 1 में, रिलेशन भी बना दी। पुट क्या करा दो 2 को, किस में करा दो, गिव दो स्टेप 3 कराइए जरा, पुट टू इन कराओ डिफरेंशिएट, कम से कम वर्किंग रूल तब तक याद हो जाए, ये थोड़ी ना अभी भी वर्किंग रूल में लटके पड़े हो। स्टेप 3 पुट करा दो 2 को इन वन, तो बताओ वॉल्यूम कितना आ गया पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 75 इंटू क्या आ जाएगा एच, वॉल्यूम कितना आएगा बताओ पाई, एच को भी अंदर मल्टीप्लाई करो 75 पाई एच, फिर अगला कितना आएगा पाई एच क्यूब बाय 4। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए बताओगे, एच इज द ओनली वेरिएबल, हियर एच इज द ओनली वेरिएबल। तो क्या निकाल दो स्टेप 4, डीवी बाय डीएच करा, ये क्या कर दोगे ट्राई। स्टेप 4 में हमने लगाना क्या है वर्किंग, डीवी बाय डीएच निकाल, डीवी बाय डीएच को 0 को करा दो, एच की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इसको क्या मान लो 4। अब इस एच की वैल्यू को डबल डेट में पुट करा देना, नेगेटिव आ जाएगा क्या आ जाएगा मैक्सिमम,
देखो मांग के मांगा क्या गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मांगा क्या गया है वॉल्यूम, स्टेप फाइव में उसके अकॉर्डिंग पुट करा दो वॉल्यूम में, बताओ पहले एच की वैल्यू कितनी है फिर पुट कराओगे, एच की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग। एच की वैल्यू बताना देखो कितनी आ रही है, जो बताएगा तो आप स्टेप नंबर फाइव है पुट करा दो एच की वैल्यू किसमें भला इन थ्री में, ये थर्ड इक्वेशन वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 500। एच बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा 20, रुकने का तो मिलता है फोर्थ ट्वेंटी सिक्स था फोर्थ तक करा लिया था एक ट्वेंटी सिक्स शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड बोलो बोलो रूट 50 वॉल्यूम में पुट कराओ जरा। आंसर कितना मांग रहा है इस क्वेश्चन का 500 पाई मांग रहा है, रूट 50 का मतलब हो गया आपका 5√2 आ सकता है, मे बी पॉसिबल 5√2 आ जाए, देखो और किसी का आ रहा है 5√2 इसको डिफरेंशिएट कर देते एच की वैल्यू 5√2 बोल रहा है बच्चा। देख लो अगर ये आ रही बता दीजिए, शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड स्क्वायर बेस सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम होगा क्या वाला सरफेस एरिया, ऊपर से क्लोज दे रखो व्हेन इट इज क्यूब, जब ये क्यूब हो जाए क्यूब का मतलब एक्स इक्वल टू वाई, टेन बोल रहा भी ऐसा तो फाइव फिफ्टी रूट फिफ्टी बोल रहा है, टेन आ रहा है कह रहे हैं टेन पुट कराओगे तो फिर तो आ भी सकता है कि भैया 500 पाई आ जाए, बोल एच टेन कह रहे हैं बच्चे भी चेक कर लेना अपने आप भी। तो सबसे पहले क्या है मैक्सिमा या मिनिमम, फिर क्या आएगा रिलेशन, स्टेप तो आपको थोड़े थोड़े याद हो ही गए होंगे, वॉल्यूम गिवन दिया पता नहीं कितना एक्स इक्वल टू वाई हमने प्रूव कर लिया सॉल्यूशन एक्स कोमा वाई विद द साइड ऑफ द क्यूबॉइड मान लो लेट बी द साइड ऑफ क्यूबॉइड मान लो सबसे पहला क्या प्रूव करना है मैक्सिमा और मिनिमम एंड वी विद द गिवन वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम गिवन है पता नहीं कितना वो वी मान लो, गिवन है तो इसलिए क्या होगा कांस्टेंट, मैक्सिमा और मिनिमम प्रूव करना किसको मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या आना चाहिए
सरफेस एरिया कितना होता है सोचो जरा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। ये रिजल्ट्स देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फोर एक्स वाई साइड्स का, ये क्या प्रूव करना है मिनिमम। यहाँ कितने वेरिएबल आएंगे बताओगे, दो वेरिएबल, कौन कौन से एक्स, कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ, एक दिया हुआ है। गिवन क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता कितना है किसी का, एल वी एच, वॉल्यूम मतलब वी वाई गिवन वॉल्यूम, पर एल वी एच का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स। बताओ एक्स क्या निकालना है, एक्स क्या निकालो, पर एक्स दो जगह है, वाई एक ही जगह, तो वाई निकाल के फिर निकालो क्या आएगा, वी बाय एक्स के। ये क्या आ गया स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये तो प्रूव करना है, इसको कैसे यूज कर लो, ये तो नहीं यूज कर सकते रिलेशन, एक्स इक्वल टू वाई तो नहीं यूज कर सकते, नहीं वाई क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई तो प्रूव करना है, क्यू होना चाहिए। तो स्टेप थ्री क्या आ गया, पुट करा दो टू कॉइन वन में, करा दो टू कॉइन रिलेशन में, हम एक्स वाई नहीं यूज कर सकते, एक्स और वाई तो मुझे प्रूव करना है, क्यूब तो प्रूव करा दो फोटो, एरिया कितना आ जाएगा सोच लो, ट्वाइस ऑफ एक्स के फोर एक्स फोर वाई एक्स, तो एरिया कितना आ जाएगा सोच लो, एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल आएंगे आप सोचो, पुट करा दो किसको वाला, स्टेप थ्री आ पुट करा दो 2.1, कराओ जरा स्टेप फोर, क्या लगा दो वर्किंग को, वर्किंग रूल में क्या कराओगे, डी ए बाय बताओ अब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रोहन जी बोलो जरा वैल्यू तो बोल दो, कोई तो क्वेश्चन की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल डेटी में पुट करा दो, क्या आ गया निकालो, फिर मैं स्टेप फाइव करके दिखाऊंगा आपको आंसर, एक्स इक्वल टू वन फ्रॉम फोर से एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, बताओ आंसर निकाल देता हूँ, इस फोर से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, 28, एक्स की वैल्यू बता दो फिर मैं आंसर निकालूंगा, आंसर क्या प्रूव करना है, साइड सेम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब बाय क्यूब बन जाएगा, ट्वेंटी एन ओपन टैंक विद द स्क्वायर बेस दिया हुआ है, मेड टू बी गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का एरिया दिया हुआ है, एक कार्डबोर्ड को छांट काट के कार्डबोर्ड का दिया हुआ सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, इसको काटो पीटो और एक स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स बना दो, ओपन बनाना है आपने जिसका बेस स्क्वायर होगा, इसी से बनाना है, इसी को काट, ये कार्डबोर्ड है, वो कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए वॉल्यूम, और वो कितना होना चाहिए सी क्यूब बाय सिक्स रूट थ्री होना चाहिए, सर वी आ गया रूट क्यू रूट आ गया, एक्स कितना है वी की पावर वन बाय थ्री, एक्स आ रहा है वी की पावर वन बाय थ्री, क्यूब रूट ऑफ वी आ गया,
अब क्या करा दोगे फ्रॉम 4 6 क्या आ गया v की पावर 1/3 अब x इक्वल टू क्या आ गया v की पावर 1/3 x इक्वल टू v की पावर 1/3 x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया v पुट करा दो किसको बोला v की वैल्यू को पुट करा दो v इक्वल टू x क्यूब फ्रॉम 5 से इन 2 में सेकंड रिलेशन क्या था बताओ जरा सेकेंड लेशन क्या था v बाय x स्क्वायर इक्वल टू y ये सेकेंड लेशन करा दो v की वैल्यू का आंसर v इक्वल टू क्या आएगा x क्यूब बाय x स्क्वायर इक्वल टू y हैंस प्रूफ यही तो प्रूफ यहाँ जो x निकला था वो v की टर्म में निकलेगा कोई बात नहीं x इक्वल टू v की पावर 1/3 है तो यहाँ से v निकाल दो उसको क्या x इक्वल टू v की पावर 1/3 निकला था तो v कितना आ गया इसको पुट करा दो 5 से 2 आंसर आ गया चलिए अब ये स्क्वायर शीट दी थी कार्डबोर्ड दिया था उसको काट पीट के हमने क्या बना दिया बॉक्स बना दिया था इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम उसका आंसर यह होना चाहिए सॉल्यूशन x कॉमा वाई ने द साइड ऑफ क्या मान लिया स्क्वायर प्लीज साइड ऑफ क्या मान लिया स्क्वायर प्लीज सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम और मिनिमम कराओ मैक्सिमम क्या प्रूव करना है वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम होता कितना बताने के लिए होता है एल बी एच तो वॉल्यूम कितना हो गया एक्स के ऊपर ये क्या प्रूव करना है मैक्सिमम यहां से आप खुद निकालो वी आ गया वी की वैल्यू आ जाएगी एक्स के तो ये आ गए कितने वेरिएबल आ गए दो अब एक और डाल दो दूसरी टर्म तो क्या चाहिए रिलेशन रिलेशन में क्या दिया हुआ है बताओ जरा कार्डबोर्ड दिया इस कार्डबोर्ड से क्या बनाया सारा बॉक्स तो सरफेस एरिया कितना होता है सोचो जरा और बॉक्स का x square plus 4xy y by ऊपर से ऊपर तो ये सारे कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया जो है जिससे बना वो कितना है c square इसी से बनाया है ना जितना इसका एरिया है जितना ये जगह घेरेगा उसी को यूज करके क्या बना लिया तुमने कार्ड सॉरी बॉक्स बना दिया अब इसको ऐसे भी सीख सकते हो सोचो मान लो मेरे हाथ में ये शीट है या तुम्हारे अपने अपने हाथ में एक शीट रख ली अब इसका कितना एरिया है ऐसे जमीन पे रख दो लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया मैंने इसको फोल्ड कर लिया मान लो बस मान लो ये एल शेप की एक फिगर बन गई इसका कितना एरिया आएगा बताओगे जैसे ये जमीन पे रखोगे तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ पर जमीन पे इसको ऐसे ही रख सकते हैं क्या एल को नहीं ऐसे भी तो रख सकते हो फिर लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों को जोड़ना तो क्या बनेगा तो इसी से तो बना हुआ है सेम ही तो एरिया रखेगा सोच लो कोई भी फिगर बना लो आप आप 3 बार फोल्ड कर लो इसको बोलो 4 बार कर लिया मैंने इसको फोल्ड बताओ इसका कितना एरिया आएगा सोचो जो मैंने फिगर बना ली 4 बार मतलब एक बॉक्स सा बना लिया लो लो जी एक बॉक्स बना लिया मैंने 4 बार तो कितना एरिया देगा आप खुद सोचो जितना उसका एरिया होगा शीट का उतना ही तो एरिया देगा इस बॉक्स का एरिया बताना ये बॉक्स बना लिया मैंने देखो कितना एरिया होगा ऐसे रखूंगा बॉक्स को सिर्फ ऐसे ही रख सकता हूँ ऐसे भी रख सकता हूँ प्लस ऐसे रख लूंगा प्लस चौथी तो चारों एरिया मिला लेना इतने शीट के इक्वल तो आते हैं सरफेस एरिया अभी तक पता नहीं चला तुम्हारे को
अगर रेगुलर होते तो बता दिया जितनी जो कोई जगह घेरेगा तो कितना है सी स्क्वायर, यहाँ से क्या निकालो वाई निकाल के फायदा, एक्स क्यूब तो दो दो बार है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फोर एक्स, पुट करा दो टू कोई मैं। स्टेप नंबर थ्री क्या आएगा, पुट करा दो टू को वॉल्यूम क्या आएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय हियर एक्स इज द ओनली वैल्यू, स्टेप फोर क्या लगा दोगे, वर्किंग रूट में क्या लगाओगे डीवी बाय डीएक्स, एक्स की वैल्यू बता दो कितना, सी बाय रूट थ्री निकालने के बच्चे, डी टू वी बाय डी एक्स क्या निकाल दो, एक्स की वैल्यू सी बाय रूट थ्री पुट करा दो, पॉजिटिव आ गया क्या आ गया, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, वो तो खुद ही देखना आपने क्या, अब इसकी वैल्यू क्या पुट करा दो फोर से, किस में पुट करा दो थ्री में क्योंकि वॉल्यूम चाहिए आपको, फोर से इसमें पुट करा दो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आंसर, और क्या करना है सिलेंडर ग्रेटेस्ट दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए कोन, एक कोन दिया, कोन की हाइट एच मेंशन की गई, ये सिलेंडर दिया इसका रेडियस हाइट मेंशन ही, सेमी वर्टिकल एंगल जरूर दिया हुआ है 30 डिग्री, शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए कोन ऑफ हाइट एच, कोन की हाइट में क्या दे रखी है एच, सॉल्यूशन लेट रेडियस कॉमा कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लो, लेट कैपिटल आर को मैं कैपिटल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल एच बी द गिवन दिए हुए हाइट ऑफ कोन, सबसे पहला स्टेप क्या कराओगे जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करो, देख लो उसमें क्या दे रखा है जिसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव, स्टेप वन मैक्सिमा और मिनिमा वॉल्यूम को प्रूव करने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम प्रूव करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना बताओगे, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पर आर इसमें कैपिटल लेना
आपने किसको मानना है? स्मॉल हाइट तो गिवन ही थी, इसको क्या मानना है आपने? मैक्सिमम। अब क्या निकालोगे? दूसरा रिलेशन देखो, क्या रिलेट कर पाते हो और आर एच को पुट करा दे। स्टेप टू क्या होगा? रिलेशन हियर कैपिटल आर कॉमा कैपिटल एच आर टू वेरिएबल निकाल दो। कैसे निकालोगे? रिलेशन निकाल दो। कैसे? इन ट्रायंगल ए बी सी से। आप खुद सोचे पूरी हाइट क्या दी है? स्मॉल एच। ये कितनी दी हुई है? तो ये कितनी बचेगी? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। अगर समझ लो तो ट्रायंगल एबीसी में क्या लग जाएगा? पाइथागोरस। या फिर आप ये भी सोच सकते हो ये एंगल 30 डिग्री है, वो भी यूज कर सकते हो। इसमें वाला इन ट्रायंगल एबीसी, समझ गया पूरी हाइट कितनी थी? स्मॉल एच। ये कितनी दी हुई? इतनी कैपिटल एच। तो ये कितनी रहेगी? कैपिटल स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो सोच लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी में आर मुझे निकालना है, बीसी अपॉन एबी देखो कितना आएगा। बीसी क्या है? आर। आर वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और एबी कितना है? बेस। बेस कितना आएगा? एच माइनस एच, मतलब बेस क्या आएगा? टेन थीटा। तो बीसी की वैल्यू क्या है? आर एच माइनस एच इक्वल टू टेन ऑफ 30 डिग्री। R equals to कितना आएगा? H minus H into tan of 30 degree. Tan 30 कितना होता है? 1 by root 3. 1 by root 3. Put करा दो 2 को इन 1 और रिलेशन आ गया। जहां रिलेशन निकल गया वहां पे एक वेरिएबल आपके पास आ गया। कराओ जरा। वॉल्यूम कितना हो गया? पाई R का स्क्वायर एच। कराओ जरा अपने दिमाग से इसको सुन। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई बाई थ्री एच स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा? सोच लो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या चलो क्योंकि बाहर वाला एच भी को रहा था मैं, ट्वाइस ऑफ एच इनटू एच। बाहर वाला क्या आ जाएगा? एच। कितना आ गया वॉल्यूम? तो कितने वेरिएबल आ गए यहाँ पे ये सोचो आप। वॉल्यूम कितना आ गया पहले ये सोचो। वॉल्यूम आ गया पाई बाई थ्री एच स्क्वायर कैपिटल एच प्लस एच क्यू माइनस टू एच इंटू एच स्क्वायर। कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल क्योंकि कौन कॉन्स्टेंट? स्मॉल एच तो कॉन्स्टेंट। कराओ वर्किंग रूल डीवी बाई डी एच निकाल दो, पर निकालना कैपिटल एच। करा रहा हूँ कितना आएगा? dv by d capital H pi by 3 बार h square, h की क्या होगी? square 3 h square और ये कितनी होगी? 4 h h। maxima minima के लिए क्या करा दो? dv by h को 0 करा दो, h की वैल्यू आ h कितना आएगा निकाल दो। पहला स्टेप क्या गया? वॉल्यूम। दूसरा स्टेप क्या है? रिलेशन। रिलेशन में थीटा दिया था उसको यूज कर लिया। आर क्या था? परपेंडिकुलर। और एच माइनस एच क्या था? बेस। आर इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय थ्री थ्री एच स्क्वायर माइनस फोर एच एच। ये क्या आएगा? 3h स्क्वायर 4hh। इसके दो टुकड़े कर दो। थ्री एच स्क्वायर माइनस 3hh कॉमन ले लो 3h। दोनों की हाइट तो सेम हो नहीं सकती, सिलेंडर और कौन की बनी नहीं सकती कभी। तो ये की रह गया एच को एच बाई थ्री। डबल डेड टेस्ट चेक कर लेना बस। नॉट पॉसिबल बताने की जरूरत नहीं, क्या ओनली बता दिया दोनों की हाइट सेम नहीं हो सकती। ये आ गया तो स्टेप फाइव या डी टू वी बाई डी एच के अभी आप ट्राई अप कर लेना। नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा? मैक्सिमम। पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया? मिनिमम। और कुछ मांग रहे तो देख लो।
एच को क्या पर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, मिनिमम करा लीजिए ट्राई।